तो हाँ बच्चों, देखिए उसने बताया था कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब या उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अगर अलग अलग स्थानों पर या उसका स्थान बदल दिया जाए तो प्रतिबिंब बदल जाता है, उसका साइज भी बदल जाता है और उसका वास्तविक और आभासी में भी अदला बदली हो सकती है कि कभी वास्तविक बने कभी आभासी बने, ऐसा होता है। ठीक है, और उसकी विभिन्न स्थितियों के लिए हमने छइयों शर्तें उसकी बता दी। अब बात आती है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के सामने वस्तु को चाहे जहां रखा जाए, प्रतिबिंब में आकार में इसके थोड़े बहुत परिवर्तन आता है, बाकी उसमें और कोई परिवर्तन नहीं आता है, एक ही जैसा प्रतिबिंब रखता है, केवल साइज में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हमारा अवतल लेंस के सामने है तो अवतल लेंस में हमेशा ये आपका अवतल लेंस है, के समांतर जाएगी, ये अवतल लेंस में हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा और लेंस व वस्तु के बीच में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। हाँ, जब ज्यादा पास होगी वस्तु, ध्यान रहे, अगर ज्यादा पास होगी तो ये बड़ा हो जाएगा और वस्तु से कभी बड़ा नहीं हो सकता, वस्तु से रहेगा हमेशा छोटा ही, ज्यादा पास होगा तो वस्तु के बराबर हो सकता है, तब भी कुछ न कुछ कम जरूर रहेगा, बस इसके अलावा और कोई ये चित्र नहीं बनाता। ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस की 6 शर्तें थी, अवतल लेंस की केवल एक ही शर्त थी, इसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपका इसी तरफ बनता है, ठीक है, आभासी बनता है, कभी वास्तविक नहीं बनता, क्योंकि ये किरण इधर को चली जाती है, ये डांट डांट करके आती है, ये वाली नहीं होती है, कहीं नहीं जाती है, तो इसे काट देता है, जैसे पास आएगी तो इसे भी बड़ा होता चला जाएगा और फोकस और इसी के बीच बनता है, फोकस और लेंस के बीच। तो ये आपका उत्तल लेंस का बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का हो गया। ठीक है, अब उत्तल लेंस की पहले हमने बताई थी सिकल और अवतल लेंस का ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर आता है, कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि देखिए लेंस की पहचान, लेंस की हमने पहले भी हो सकता है बताया हो, लेंस की पहचान 2-3 तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, छू कर या स्पर्श कर, विज्ञान की भाषा में
स्पर्श करके और प्रतिबिंब को देख करके। स्पर्श करके का मतलब हम देख लें अगर किनारे पतले हैं और बीच में मोटा है तो कौन सा हो गए उत्तल लेंस, और अगर किनारे मोटे और बीच में पतला तो ये अवतल लेंस, ठीक है ना। ये आपका उत्तल हो गया और ये अवतल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ऐसी जगह है कि जहाँ उसको छू सकते नहीं, किसी यंत्र के अंदर अंदर लगा हुआ है, कहीं किसी मशीन में किसी में पुर्जे की जगह इस्तेमाल, अब हमारे सामने समस्या है कि हम आपसे कह दिया कि बताओ ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, तो हमारे सामने एक थोड़ी समस्या पैदा हुई कि हम कैसे, तो इसको हम चित्र को देख करके भी, प्रतिबिंब उसका देख करके, उसके सामने वस्तु रखे उससे प्रतिबिंब देख करके भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब ये जो हमने शर्तें बताई थी उसी के आधार पर है। अगर वो कभी चित्र छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, कभी सीधा बनाता है, कभी उल्टा बनाता है, तो हम जान जाएंगे कि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। क्योंकि उत्तल लेंस की छह शर्तें आपको मैंने बताई थी, और वो जब हम उसकी जगह बदलते जाएंगे वस्तु की, तो उसके चित्र में भी परिवर्तन होता जाएगा। और अगर चित्र को थोड़े केवल छोटा बड़ा तो कर रहा है बस, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, जैसा सीधा बन रहा था वैसे ही सीधा बनता चला जाता है, तो आप जान जाओ कि ये आपका अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। तो हम लिख देंगे कि ये अवतल लेंस है। कभी कभी आपसे ये प्रैक्टिकल के टाइम या उसमें पूछ लिया जाता है कहीं पर भी। देखिए जब हम लोग आगे आपको ना समझ में आने का कारण यही है, फिजिक्स की उसकी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती होती हैं, तभी आप लोग आगे नहीं कर पाते। नहीं, आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उसका अब जैसे उत्तल लेंस नहीं जानते हैं, उसकी विभिन्न स्थितियां नहीं जानते हैं कि क्या है प्रकाशी केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस और क्या क्या ये चीज़ें हैं, तो हमारे लिए दिक्कत है। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है। आप इसके बाद वस्तु को कह दें कि फोकस पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, तब तुरंत फटाक से जान जाएंगे कि ये यहाँ पर है तो इसका ऐसा चित्र बनेगा, ये है तो कौन सा लेंस है, या ऐसा चित्र बन रहा तो कौन सा लेंस है, हम तुरंत पहचान जाएंगे, तुरंत उसको कर लेंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी पार्ट में लेंस में ही आप लोग देखेंगे दृष्टि दोष होंगे। दृष्टि दोष क्या होंगे? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष का मतलब हम लोग कोई चश्मा लगाते हैं वो हम लोग दृष्टि दोष के ही वजह से लगाते हैं, और कोई शौक में लगाता है वो ही लगाता, लेकिन कोई ऐसे नहीं पढ़ पाता, किसी चीज को नहीं देख पाता, और जैसे ही चश्मा लगाता है तो तुरंत देख लेने लगता है, तो भाई चश्मे में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वस्तु को दिखाई देने लगता है, बस खाली चश्मे का काम इतना ही है कि चश्मा जो है जहाँ तक हमारी वस्तु देख पाती है वहाँ उसका चित्र बना देता है और हम लोग उसको देख लेते। किसी किसी की आँख में ऐसी दिक्कत हो जाती है कि वो पास की वस्तु में देखती है, दूर की नहीं देख पाती, तो वो चित्र जो दूर की वस्तु है हम लोग चश्मा लगा देते हैं, वो ऐसा कि हमारी दूर की वस्तु को पास बनाने लगता है, और जब पास बनाने लगता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं। कोई कोई किसी किसी की आंख में ऐसा होता है कि दूर की दिखाई देती है पास की नहीं दिखाई देती, तो जब दूर की दिखाई देती है तो जो वस्तु पास होती है उसका वो चित्र दूर बना देता है। चश्मा जो है वो क्या करता है, जो उसमें लगा हुआ लेंस है उसके चित्र को दूर बना देता है। जब उसके चित्र को दूर बना देता है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, और चश्मे में कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि जो कहीं से चित्र को ले आए या किसी प्रतिबिंब को ले आए, वो केवल काम उसका इतना ही है कि जहाँ तक हमारी आँख है, जहाँ आँख देखती है वहाँ बना देता है, बस इतना ही आपका काम है, या इतना ही उसका काम है, और उसके अलावा वो चश्मे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं होती है। चश्मा किसी, चाहे वो मान लीजिए चश्मा किसी काबिलियत का प्रतीक नहीं है, चश्मा एक कमजोरी का प्रतीक है कि हमारी आपकी आँखों में कोई कमी है, आंखें हमारी आपकी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही हैं या वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग चश्मा लगा लेते हैं कि जहाँ तक देख पाते, अगर पास है देख लेती है तो चित्र को दूर से पास कर देता है और हमारा काम चलने लगता है। तो अब जब हमें
दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। जो दोष है वही साफ दिखाई देता, बस ध्यान रखो। अगर दूर दृष्टि दोष का है तो क्या है? दूर अगर कहता है तो क्या है? दूर दृष्टि दोष का मतलब यह है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, और निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। और कोई कोई ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति में है कि निकट और दूर दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और किसी किसी की आँख में कलर विजन, जिसको हम लोग कहते हैं, वर्णांधता हिंदी में उसका नाम है, तो उसको अंग्रेजी में कलर विजन कहते हैं, कि लाल और हरे रंग में वो उसकी आँख जो है वो अंतर नहीं कर पाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता जो है ये ऐसी बीमारी है जिसको हेरिडिटी है, या कहने का मतलब जिसके कहीं खानदान में रही है, किसी को रही है, उसी को ये बीमारी होती है, अन्य किसी को नहीं होती। ये ऐसी नहीं है कि किसी को बीच से हो जाए। वर्णांधता जो है वो ऐसी बीमारी है जो क्या होता है, किसी की परिवार में, वंश में है, कहीं बाबा को है, पिताजी को है, नाना को है, नानी को है, किसी को रही होगी तभी उसको होगी, और ऐसे बीमारी नहीं होती है। और इसके होने का कारण ये है कि हमारी आपकी आँख में, रेटिना में क्या होता है? स्लेरी मांसपेशियाँ होती हैं, एक शंकु के आकार की और एक बेलन के आकार की। तो जो बेलन के आकार की होती हैं वो कलर की, उसके लिए प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और जो शंकु के आकार की होती हैं वो आपकी कलर के लिए होती है, तो वही काम करना बंद कर देती हैं, वो नहीं काम करती है, तभी हम दोष में। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष पहला है, आप देखिए निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष क्या है, फिर कारण क्या है इसका, और फिर इसका निवारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष, वैसे देखिए कोई भी किसी भी चीज के बारे में जब हम बहुत सारी चीजें जान जाते हैं तभी वो चीज समझ में आती है, और अगर उसके बारे में सब चीज नहीं जानते तो हमें वो बात समझ में नहीं आती है। बात यह है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दोष क्या है? तो जब किसी को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके बाद कारण, इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण है कि जब किसी कारणवश, जब किसी कारणवश जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बनने लगता है, क्या बनने लगता है? रेटिना के पहले बनने लगता है। इसका कारण है प्रतिबिंब रेटिना से या रेटिना के पहले बनने प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, और इसके अलावा अगर वो कहीं आगे पीछे बनने लगता है तभी हमें आपको दिखाई नहीं देता। जब तक रेटिना पर बनेगा नहीं तब तक हमें दिखाई, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। तो इसके क्या कारण है? ये तो कारण है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। तो नंबर एक, किसी कार बस नेत्र गोला जो है, आपका गोला आँख जिसने रखी हुई है वो बड़ा हो, नेत्र गोला का बड़ा हो गया, किसी कार बस नेत्र गोला अगर बड़ा हो गया हमारा, तो हमारा जब नेत्र गोला बड़ा हो गया तो रेटिना जो है पीछे खिसक गया, चित्र जहाँ बनता था वहीं बनता रहा, तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले हो गया। दूसरी चीज,
नेत्र लेंस की जो है नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कम हो जाए किसी कारण उसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। फोकस दूरी क्या है कम, फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, अधिक हो गई। यानी या तो हमारी आंख ही बड़ी हो जाए या लेंस बड़ा हो जाए, दो में एक चीज बड़ी, तो लेकिन बड़ी हो जाए तो इससे हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब बात यह है कि निकट दृष्टि दोष के कारण हो गया अंधकार। देखो भाई ये जो चित्र है पहले बनने लगा है, कहाँ बनने लगा है, पहले तो इसको आगे ले जाना है। तो अगर आगे ले जाना है तो इसको लेंस को ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है, पीछे बना तो उसको आगे ले जाएगा। जब आगे ले जाएगा तो इसका मतलब कोर्स के लिए कौन सा लेंस लगा, आवतल लेंस का। इसका प्रयोग करते हैं आवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात, अब कोई कहते क्यों करते हैं, तो ये किरणों को क्या करता है आगे ले जाता, फैलाने का काम करता। तो चित्र पहले ही बन रहा है उसको और आगे ले जाएगा, पहले बन रहा है तो उसको आगे ले जाएगा, तो रचना पर पहुंच जाएगा, काम हमारा आपका हो जाएगा। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष हो गया। अब निकट दृष्टि दोष के बाद दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णांधता, इनके बारे में भी अब कल बताएंगे आपको या आगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करते रहे। और एक बात ध्यान दें कि आपका टेलीविजन में, दूरदर्शन में 10:30 के बाद कक्षा 10 और 12 की क्लास का पढ़ाई का कार्यक्रम आ रहा है, उसको भी आप जिसके यहाँ टीवी या उस समय में आपके यहाँ लाइव रहे तो उस समय आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।